तो आज मेरे साथ है जन की बात के, अभी मैं कह सकता हूँ फेमस, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं और घूमते हुए सितारे हैं, क्योंकि ये एक जगह में बैठ के नहीं, 450 संसदीय क्षेत्रों में इन्होंने खुद इस बार जमीनी काम की है। तो प्रदीप भंडारी हैं। प्रदीप भंडारी सैफ जी, कुछ वीडियो के आधार पर, वैसे ये सब क्या है, इतनी की कागजी बातें करने आए आप, दिखा दीजिए, ये प्रॉब्लम इनकी है, ये कागजी बातों पर रिसर्च करके बोलते हैं। ये आपके प्रदीप भंडारी की स्ट्रेटजी क्या है, जानते नहीं है? अभी आपने पहले ये चाहते हैं अर्णब जी, आप चाहते हो इलेक्शन कमीशन बन जाए, नेहरू वाड्रा कमीशन लिख लीजिए, आप चाहते हो इलेक्शन कमीशन बन जाए, लिखिए वाड्रा कमीशन, लिखिए आप चाहते हो सुप्रीम कोर्ट बन जाए, राहुल गांधी को प्रदीप भंडारी साहब, कोर्ट में विश्वास नहीं है आपको, हाथ जोड़ू भैया, हाथ जोड़ू, ऐसे झूठों से देश को बचाओ, झूठों की बात करो भैया, भंडारी जी 2002 में वही गेम को आवेदन दिए, वही गेम कोर्ट में हाथ जोड़ो भैया, ऐसे झूठ, ऐसे झूठे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अरे भैया सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं, इलेक्शन कमीशन में विश्वास नहीं, से ममता बनर्जी में विश्वास है, राहुल गांधी में विश्वास है, आप बैठ जाइए किशोर कुमार, कि आप विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट को बनाना, राहुल गांधी को देखिए दिनेश जी हो नहीं रहा तो सुप्रीम कोर्ट में विश्वास सवाल अगर ये देश के विपक्ष का आप हैं, मैं कहूंगा कि ये सबसे बड़ी देश की पीड़ा है कि देश का विपक्ष जनता के मुद्दे उठाने के बजाय फर्जी झूठी बातें करता है और संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर जाके अटैक करता है। इनको शर्म आनी चाहिए, मतलब जो आपकी सीट जीत रहे हो, आप जो जीत रहे हो भी फर्जी था, तो विपक्ष को 100 सीटें मिली वो भी फर्जी थी, शर्म करो, अर्थात विपक्ष जो सीटें मिले वो भी खिलाफ काले किताब किसने लिखी, जाके जो हमको सीटें मिली है बताओ गलत थी, काले किताब सीटें के लिए गलत थी, मतलब चाहता हूं काले किताब किसने लिखी, बोलिए ना, अरे सीटें मिलेंगी, अच्छा बेईमानी बर्दाश्त कर।